दोस्तों, मानव जीवन में वास्तु शास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। इसका निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा जी द्वारा किया गया है। यह शास्त्र इतना विशाल और विस्तृत है कि इसे पूर्ण रूप से जीवन में अपनाना असंभव है, लेकिन हम वास्तु शास्त्र के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके हमारे घर को पवित्र बना सकते हैं। वास्तु शास्त्र में भवन के निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। भवन के निर्माण से पूर्व भूखंड का चयन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का भूखंड भवन निर्माण के लिए सर्वोत्तम होता है, तथा भवन के पास स्थित वृक्ष, मंदिर, पेड़ पौधों, मार्ग आदि का भी विचार किया जाता है। उसके बाद घर का निर्माण करते समय घर के मुख्य द्वार की दिशा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। भवन का द्वार कौन सी दिशा में होना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, अलग अलग दिशाओं का महत्व भी अलग अलग होता है। इसलिए भवन का मुख्य द्वार बनवाते समय मुख्य द्वार की दिशा को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण किया जाए तो इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और उस घर में निवास करने वाले लोगों को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भवन के मुख्य द्वार के आकार का भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक होता है। वास्तु शास्त्र के भवन के मुख्य द्वार को लकड़ी से बनाना ही श्रेष्ठ बताया गया है। लकड़ी से बना मुख्य द्वार सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अन्य चीजों से लकड़ी का द्वार नहीं बनवाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे वृक्षों के बारे में बताया गया है, उन्हीं के वृक्षों की लकड़ी से मुख्य द्वार बनवाना चाहिए। अन्य वृक्षों की लकड़ी से बने प्रवेश द्वार शुभ परिणाम नहीं देते। यदि इन शुभ वृक्षों की लकड़ी से प्रवेश द्वार बनाया जाता है तो उस भवन निवास करने वाले लोगों को हमेशा उन्नति मिलती है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। इन लकड़ियों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और देवी देवता भी प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करते हैं। भवन का मुख्य द्वार अर्थात आपके घर का प्रवेश द्वार आपके घर के अन्य दरवाजों से आकार में बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार कभी भी अन्य दरवाजों से छोटा नहीं होना चाहिए, ताकि घर के अंदर की ओर बाहर से आने वाली ऊर्जा का संतुलन बना रहे। अगर मुख्य द्वार आकार में छोटा होता है तो उस घर में हमेशा क्लेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मुख्य द्वार हमेशा दो पल्लों का होना चाहिए। इस मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते वक्त दोनों हाथों का प्रयोग होना चाहिए। दो पल्लों का मुख्य द्वार ही भवन के लिए शुभ माना गया है। दो पल्लों के मुख्य द्वार के कारण घर मंदिर की तरह प्रतीत होता है। जिस घर का मुख्य द्वार दो पल्लों का होता है वो बिल्कुल मंदिर की तरह लगता है। अगर आपका मुख्य द्वार एक ही पल्ले का है तो उसे बदलवा कर दो पल्लों का अवश्य बना ले। इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के पास दहलीज अवश्य होनी चाहिए। दहलीज के बगैर मुख्य द्वार अपूर्ण माना जाता है। भवन के प्रवेश द्वार के पास दहलीज का होना अनिवार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि दहलीज भवन की रक्षा करती है। दहलीज के होने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। दहलीज की ऊंचाई 2 से 5 इंच तक होनी चाहिए। दहलीज की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। दहलीज के पास नित्य घी का दीपक लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। दहलीज के पास शुभ चिन्ह अवश्य बनाने चाहिए। खासकर स्वास्तिक का चिन्ह दहलीज के दोनों छोर पर बनवाना चाहिए। इससे घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं कि दहलीज ना होने पर घर में प्रेत प्रवेश करते हैं और भवन में रहने वाले लोगों को कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसलिए घर में दहलीज अवश्य होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मुख्य द्वार किसी भी प्रकार की दरार और उसमें छेद नहीं होना चाहिए। भवन का मुख्य द्वार बंद होने पर घर के अंदर का दृश्य नहीं दिखाई देना चाहिए।
मुख्य द्वार पर छेद अथवा दरार होने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि मुख्य द्वार टूटा हुआ अथवा दरारों वाला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस घर में दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के ऊपर हमेशा तोरण लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से अशुभ शक्तियां दूर रहती हैं, घर में कभी दुर्घटना नहीं होती और बुरी नजर से रक्षा होती है। इसके अलावा आप मुख्य द्वार पर शुभ का चिन्ह और धार्मिक प्रतीक अवश्य लगवाएं, जैसे शुभ लाभ, स्वास्तिक अथवा ओम का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है। भवन के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई खंभा, दीवार, कोई बड़ा पेड़, पानी की टंकी आदि चीजें नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधा का निर्माण करती हैं। इन वस्तुओं के कारण वास्तु वेद निर्माण होता है और जीवन में धन से जुड़ी समस्या आते रहती हैं। ये चीजें मुख्य द्वार के सामने होने से जीवन में आने वाले अवसर भी कम होने लगते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार के पास स्वच्छता होनी चाहिए। नित्य घर के मुख्य द्वार के सामने जल का छिड़काव करना चाहिए और साफ सफाई करना चाहिए। घर का मुख्य द्वार स्वच्छ होने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार के सामने कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे नकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। इसलिए नित्य सुबह उठने के बाद मुख्य द्वार के सामने शुद्ध जल का छिड़काव करें और सुंदर रंगोली बनाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते समय कर्ण कर्कश की आवाज नहीं होनी चाहिए, इसे अशुभ ध्वनि कहा गया है। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। मुख्य द्वार से निकलने वाली कर्कश ध्वनि के कारण घर में क्लेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यदि मुख्य द्वार से ऐसी आवाजें आती हैं तो उसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर यह आपके जीवन में कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। मुख्य द्वार कभी भी बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए। बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजा अशुभ संदेश देता है। घर में निवास करने वाली लक्ष्मी घर से चली जाती है। ऐसे घर में बार बार विपत्ति आती है और संकटों का सामना करना पड़ता है। धन का खर्च अकारण ही होता है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा कर्ज से परेशान रहते हैं। आइए अब जानते हैं घर का मुख्य द्वार कौन से वृक्ष की लकड़ी से बनवाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार चंदन, अशोक, नीम, अर्जुन, खैर, शीशम आदि वृक्षों की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार धन संपत्ति में वृद्धि करवाता है। रोहिणी छक, श्रीपरण, पतंग, लोध, नाग, केसर आदि वृक्षों की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार सुख शांति प्रदान करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार कभी भी बहेड़ा, पीपल, बरगद, कंटक, कैत आदि वृक्षों की लकड़ी से नहीं बनवाना चाहिए। इन लकड़ियों से बना मुख्य द्वार अशुभ फल प्रदान करता है। साथ ही जले हुए वृक्ष की अथवा जली हुई लकड़ी से प्रवेश द्वार कभी नहीं बनाना चाहिए, इससे घर का सर्वनाश हो जाता है। यदि आपका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होता है तो चंदन की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार सबसे अधिक शुभ फल देने वाला होता है। ऐसे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है, धन का आगमन होता रहता है। यदि संभव हो तो भवन का प्रत्येक द्वार एक ही लकड़ी से बनवाना चाहिए, इससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जिस लकड़ी से द्वार बनाया हुआ है उस लकड़ी की चौखट बनवानी चाहिए। लोहे की चौखट और लकड़ी का दरवाजा ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें अशुभ संकेत प्राप्त होते हैं। घर का प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में शुभ माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान में रखें कि घर का मुख्य द्वार कभी भी अपने आप बंद नहीं होना चाहिए और अपने आप खुलना भी नहीं चाहिए। इसके लिए आप दरवाजे को रोकने के लिए खूंटी अथवा स्थापित का प्रयोग कर सकते हैं। अपने आप खुलने और बंद होने वाले दरवाजे के कारण घर में शोक का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा।